नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित बैरागी और आप मेरे साथ देख रहे हैं MP7 न्यूज़ चैनल। अभी हम आए हैं नीमच जिले में स्थित है, जहां मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा देश का काला सोना कहा जाने वाला अफीम की खेती हमारे सामने लहलहाती हुई खड़ी हुई है और अभी यहां पर चीरा लगाने का कार्य शुरू हो चुका है। तो आइए हम करते हैं अफीम किसान से बात कि उसकी खेती की पैदावार से लेकर अभी तक क्या क्या परेशानियाँ आई है और उसको उगाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो चलिए करते हैं, यहाँ पर ही रहें हमारे साथ अफीम किसान पिंटू गोस्वामी। तो करते हैं इनसे बात और पूछते हैं कि क्या है इसकी कहानी। हाँ तो पिंटू जी, बताइए अभी तक अफीम खेती में क्या क्या होता है और उसको कैसे क्या करना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि अफीम जो है, अफीम को बच्चे की तरह पालना पड़ता है। शुरू से लगा के आखिरी तक इसका बहुत ही दूसरों फसल के अंतराल इसका ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि हमने इसकी बुआई की थी दीपावली की तेरस को। इसकी सबसे पहले तो हम इसकी जुताई बहुत ही अच्छी तरीके से करनी पड़ती है, गहरी जुताई करनी पड़ती है इसकी। अच्छा, मतलब उंडी जुताई ज़्यादा करनी पड़ती है ना? गहरी जुताई करनी पड़ती है। उसके बाद जो इसमें पशुओं का जो देसी खाद होता है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हम 3 से 4 ट्राली इसमें डालते हैं। जुताई से पहले हम जो हकाई करते हैं ना, उससे पहले हम इसमें 3 से 4 ट्राली देसी खाद डालते हैं। उसके बाद वो डालने के बाद हम फिर उसकी दोबारा से फिर इसकी गहरी जुताई करते हैं। गहरी जुताई करने के बाद फिर इसको हम अच्छी तरीके से इसमें अगर बड़े ये है वो होते हैं बड़े मिट्टी के जो बड़े ढेर, उसको ये रोटावेटर वगैरह या कुछ भी चला के होमवर्क से वो सही करते हैं सब अच्छे। फिर इसके बाद इसमें क्यारे बनाए जाते हैं, जो दूसरी फसलों के अंतर जैसे होते हैं वैसे इसमें क्यारे बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद इसमें अच्छी तरीके से इसमें जो पोसते होते हैं अपने दाने, वो इसमें हम दूसरे फसलों में फूकते हैं वैसे ही इसमें भी, मतलब हाथ द्वारा फूके जाते हैं या फिर मशीन द्वारा फूके जाते हैं? हाथ के द्वारा फूकते हैं। अच्छा हाँ। उसके बाद फिर उसमें दूसरों फसलों जैसे इसमें इसको बुआई होती है, पिलाना पड़ता है, फिर इसमें अफीम जो उग जाती है फिर उसके अंतराल 5 या 6 दिन में फिर इसको पिलाई जाती है। उसको बोलते हैं गारवण, बोलते हैं हम मालवी भाषा में, उसको हम गारवण बोलते हैं, गारवण दी जाती है। फिर उसके बाद अफीम के पौधे बड़े होते हैं, हरे राम, अगर ज़्यादा होते हैं गहरे तो फिर उसमें से कुछ दूरी होती है कि इतनी इतनी पंक्ति पे पौधे रखे जाते हैं। अच्छा, मतलब थोड़ी दूरी दूरी पे पौधे रखे जाते हैं, जो पास में होते हैं उनका क्या किया जाता है? उसको निकाल लिया जाता है अंदर से। अच्छा तो उससे क्या है कि कुछ पंक्ति पे तो उससे पौधा भी अच्छा स्वस्थ रहता है। उसके बाद फिर अगर बड़ा होने के बाद इसमें कई प्रकार की बीमारियाँ भी आती हैं, जैसे अभी पानी गिर गया था दाह पड़ जाता है तो उसका भी प्रकोप इसको झेलना पड़ता है, प्रकृति की मार इसको झेलनी पड़ती है। फिर उसके बाद अभी हमने इसमें जो पानी गिरा था उससे पहले फिर हमने इसमें दवाई छिड़काव किया, सब किया, इसलिए किया कि फिर हमने अभी जो है अभी ये डोड़े जैसे फसल बड़ी हो गई थी, फिर इसको ये हाइट ज़्यादा हो गई थी जिसके कारण गिरने का संभावना लग रही थी, तो हमने उसके लिए ये नीचे जो आप देख सकते हैं इसमें हम इसमें डोरिया से इसको पूरी तरह से बांध रखा है, क्योंकि गिरने की पूरी संभावना, गिरने के बाद फिर इसको हमने अभी चीरा लगाया था। चीरा लगाने से पहले हम इसको इसमें कालिका जो माता होती है, कालिका माता, उसकी हम स्थापना करते हैं। कालिका माता की स्थापना की जाती है जी? तो कालिका माता की स्थापना करके क्या किया जाता है? उसकी वो पूजन होती है। अच्छा, किस प्रकार पूजन की जाती है? चलो आप आइए, हम आपको बताते हैं। अच्छा हाँ, चलिए हम भी देखते हैं कालिका माता की स्थापना कैसे कर रखी है और किस प्रकार से कालिका माता का पूजन किया जाता है। पूरी विधि विधान से प्रतिदिन पूजा करनी पड़ती है या फिर एक दिन ही किया जाता है? आने से पहले जो हम इसमें प्रवेश न करते हैं ना खेत में, उससे पहले यहाँ हम अगरबत्तियाँ लगाते हैं। अच्छा, अगरबत्ती लगानी पड़ती है, पूरी विधि विधान से पूजा होती है।
देख सकते हैं हमने अपने यहाँ पर ये कालका माता जो है इनकी स्थापना कर रखी है। ये हम चीरा लगाने से पहले कालका माता जो है इनकी स्थापना करते हैं। अच्छा। इसमें नारियल अगरबत्ती वगैरह दीपक लगाते हैं और रोज हम आने से पहले सब ये करते हैं पूजा। आप देख सकते हैं कालका माता का अच्छा। स्थापना कर रखी है जी। और इसमें अभी तक हमने कम से कम 20,000 से 25,000 रुपए की दवाई का छिड़काव किया है क्योंकि अभी जो पानी गिरा था उससे काफी मतलब इसमें पत्ते के ऊपर जो वो पानी गिरता ना उससे काफी नुकसान है इसमें, आप देख सकते हैं। अच्छा। और आप दूसरी फसलों के अंतराल इसमें बीमारियां भी ज्यादा आती है अफीम की फसल में, मतलब आपके कहने के हिसाब से ज्यादा बीमारी आती है। तोते अगर डोड़े काट दे उसके लिए हमने जाली लगा रखी है ऊपर। हाँ हाँ। और आप अपने जो दूसरे फसल की होती है ना उसकी उससे ज्यादा इसकी केयर करनी पड़ती है, दूसरे फसल से ज्यादा इसका ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि अगर ज्यादा हाइट हो जाए गिरने की संभावना होती है, बीमारियों का प्रकोप ज्यादा होता है और उसके अंतराल आप वो देख सकते हैं वो चीरा लगा रहे हैं उधर। हाँ जी, वो वहाँ पे चीरा लगा रहे हैं जी, वो वहाँ पर चीरा लगा रहे हैं और उनको भी उनसे भी आप जानकारी ले सकते हैं। और अच्छा। तो चलिए उन्हीं से लेते हैं थोड़ी बहुत और जानकारी। चलो। राम राम बासा। राम राम। राम राम। तो अबार कही कर रहा आप? मु चीरो लगे रहो भाई। तो ये चीरो अबार दन्ने लगे है नी? हाँ, 11 बजे के बाद में शाम को 4 बजे तक चीरो लगेगा ने पचे आखी रात रहेगा ने सुबह 8 बजे थी जो 9:30 बजे तक लुएगा। अच्छा। सुबह हाँ। ते या बीमारी तो कही है या हुक्का पका की बीमारी या बर्फी बहुत पड़ रही। हाँ। अरे बर्फी की मारी डोड़ा खराब पी लिया। डोड़ा खराब वेरा आधा दूध दी रहा आधा दी रही को नहीं। अच्छा, दूध भी कम नहीं कर रहा है खाना में? कम आई रो नटी पी लिया में है नी। हाँ कही तो बे ये देखो गवर्नमेंट कही करे कही नहीं करे। सरकार ले हाँ में। सरकार लेवी में थोड़ी बहुत कही करे तो करे थोड़ा बहुत। अच्छा। के हित में इतर में तो फोड़ ही जे अबे कही आड़ी नहीं आड़ी पड़ी की सब। हाँ यार नगे तो आ रही देखो ये हटने आड़ी पड़ी थे की वटे आड़ी पड़ी थे की ना डोजा थी बांधी मेली आड़ी नहीं आड़ी पड़ी की नल में बीमारी नहीं आ रही की काली मछी और दोरी मछी की दो ही बीमारियाँ लगी रही ये काला काला डोड़ा भी गया सब न थोड़ी वहाँ दाह की चल गई थी तो दाह भी बारी को मजा का डोड़ा तो दाह भी बारी को। हाँ दाह को भी नुकसान है। हाँ दाह को नुकसान है नी। ले ये पत्ता पीला पीला पड़ी गया ये पीड़ो रोग भी गयो यो तो आप मालूम यो आप चीरा लगी रहा वैसे आपने मालूम पड़ रही हो मालूम पड़ रही नहीं देखो नहीं ये बप्पू जा भी गई दूध आने में थोड़ी दूध व्यवस्थित नहीं कर रहा कि कम नहीं कर रहा कम आई रो एक सीर ने कोई तो दूसरी में टीबी क्यों। अच्छा। हाँ कही ने अबार जो थोड़ा दिन पहला पानी पड़ियो अंति नुकसान भी हो ये आड़ी वलती पड़ी सब। अच्छा पानी पड़वाते आड़ी पड़ी गई आड़ी पड़ी गई नुकसान तो है में। हाँ नुकसान है के। हाँ नुकसान तो घड़ो है कही घड़ो भी गयो तो। हाँ आड़ी भी पड़ रही बर्फी भी है तो। हाँ बर्फी को नुकसान खड़ो वीडियो नुकसान तो है देखो दिन में तो मैं शुरू हो काम। हाँ और दूसरे दिन सुबह पहली लू विला फिर 10-11 बजे फिर आवा शिरवा आको दिन शिरा रात भर रहे फिर दूसरे दिन है जो 9-10 बजे तक लू विला सुबह पहली ने फिर शिरवा हो काम करना। तो अब कतक दिन विज्ञा लून शिव से आई लेने ये विज्ञा नहीं रविवार थी शुरू किया आज बुधवार भी गयो। हाँ आज बुधवार भी गयो तो आज तीसरा दिन है। हाँ तीसरा दिन ही बेगा यो। अच्छा तो और मैं पहला तो कालका माता की पूजा करने पछे शुरुआत करनी पड़े। हाँ कालका माता की पूजा करो रोज अगरबत्ती लगाओ और की आरती करो माते शरी की वर्ग सारे जो पट्टो साले। अच्छा अफीम की खेती
अपने नीमच मंसूर जिला में सबसे ज्यादा, मध्य प्रदेश में नीमच मंसूर जिला में सबसे ज्यादा अफीम की पैदावार है। अफीम की खेती अपने नीमच और मंसूर जिला में सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। अब बार तो तस्कर भी सक्रिय हुई गया अनिल ने, तो रात तो नगे भी रखनी पड़ती होगा। अरे ये यो घर बांध भी लियो, यो देखो ये बना रखी है, ये झोपड़ी बना रखी है, कहीं करो यहाँ हूड़ा पड़े पादर चढ़ाए हुआ है, ये क्वार्टर बना रखा है। हाँ देख सकते हैं आप। तो राटे रखवारी भी रखनी पड़े, राटे लाइट की व्यवस्था भी कर रखी है, लाइट की व्यवस्था भी कर रखी है, गाँव से लाइट लाइट नहीं रखी और लाइट लगा रखी। अच्छा हाँ, और हम रात को भी यहीं पर सोते हैं। अच्छा अच्छा हाँ, रात को हम यहीं सोते हैं, और फिर दिन को ये जो काम है चीरा लगाने का, वो चीरा लगाते हैं, फिर अगली सुबह फिर वो लूने का काम होता है। और मतलब कुल मिला के इसको दूसरी फसल के अंतराल इसका थोड़ा मतलब ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा 25 दिन तक तो लूने सीने चाले बाद 25 दिन तक ज़्यादा ध्यान रखना पड़े। हाँ 25 दिन तक ज़्यादा ध्यान रखना पड़े, और तोता की भी ध्यान ज़्यादा रखनी पड़े। पक्षी मिट्टू पे आवे तो उड़न ली जाए, पशु पक्षी आवे नहीं तो डोड़ा यहाँ थी काटिन ली जावे आटे थी। अरे डोड़ा ध्यान जावे ने रोजना की इतनी ध्यान रखनी पड़े, मैं परीक्षा तो दूर था नहीं कर। घोड़ा रोज की भी घनी परेशानी है, वड़ा की भी ध्यान रखनी पड़े, अणी बोलिए जाली लगा रखी है चारी तरफ जाली लगा रखी, और सबका ध्यान रखना पड़ता है, पशुओं का पक्षियों का सबका ध्यान रखना पड़ता है। बोलो और क्या बोलो। उंदरा ज्यादा लग गया, मैं काटी काटी ढेर कर गया, ओ गलंगा करी मिले। उंदरा को भी घणो नुकसान। हाँ उंदरा को भी बहुत नुकसान भी रहा फिर। हाँ डोड़ा में तो हर बार थी मतलब अन बार ज्यादा नुकसान है। हाँ ज्यादा नुकसान है। ये देखी लो, ये उंदरा ने काटी मिली है, ये नुकसान है, ये चूहों का। अच्छा चूहों का नुकसान है, नीचे से चूहे कुतर रहे हैं इसको। ये सी हालत है, देखो अब कई करो। सही बात, नुकसान तो है कुल मिला के। हाँ। नुकसान तो है इसमें, पानी की भी मार झेल है ये, प्रकृति का कुछ प्रकोप हो उसकी भी मार झेलनी पड़ती है, नीचे से सब तरह का है, नुकसान तो है इसमें। अभी हम खड़े हैं काला सोना कहा जाने वाले मध्य प्रदेश के जिले में, नीमच जिले में। नीमच मंसूर जिले में सबसे ज़्यादा अफीम की पैदावार की जाती है, और अभी हम नीमच जिले के मनासा तहसील के कुकड़ेश्वर शहर के पास एक छोटे से गांव में स्थित गांव कड़ी खुर्द में खड़े हैं, जहां पर अभी सुबह लुहाई का कार्य जारी है। और अभी हम बात करते हैं यहां पर लुहाई कर रहे किसानों से, तो आप हमें बताइए कि सुबह के टाइम पर ही लुहाई क्यों की जाती है? सुबह के टाइम पर ही की जाती है, क्योंकि सुबह के टाइम पर इसको दन में तो इसका चीरा लगता है, उसके बाद शाम सुबह अच्छा लुआने में भी अच्छा आता है, इसलिए इसकी लुआई सुबह की जाती है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे कि एक दिन पहले इसमें चीरा लगाया जाता है, और उसके बाद जो रात भर में दिन भर में दूध निकलता है उसको आप सुबह लुहाई करते हो। जी तो लुहाई का जो समय रहता है सुबह, वह कितनी बजे से रहता है? वो 7 बजे से रहता है, 7 से 9 बजे तक लुहाई का चलता है काम। अच्छा, और चीरा कब लगाते हो आप? चीरा दिन को 11:30 बजे से 3-4 बजे तक लगता है। 11:30 बजे से लगाना स्टार्ट करते हो? जी जी। तो अभी जो अफीम की फसल, जैसा कि अभी थोड़े दिन पहले बरसात भी हुई थी, तो उसके बाद से आपको अफीम में क्या परिवर्तन नजर आ रहा है? अफीम में पहले ये पानी नहीं गिरा था, इससे पहले अच्छा ये हरा, थोड़ा हरा था, और अभी इस पानी के ये पत्ते जो है, इसके पत्ते में बीमारी लग रही है, खराब होने की लग रहा है चांस, जो नीचे के जो पत्ते हैं वो बिल्कुल खराब हो चुके हैं। काली मशी दोरी मशी। अच्छा। हमने दवाई भी छिड़की थी पर वो फिर भी बीमारी है इसमें अभी भी, तो इसके कारण पानी से जो नुकसान तो है इसमें पानी के कारण। अच्छा, और अभी जैसे हर साल के मुकाबले डोड़ों में से जो अफीम की मात्रा है वो कितनी प्रतिशत निकल रही है आपके अनुसार? वो तो इस बीमारी के कारण फर्क तो है, हर साल से फर्क तो है, कम ही निकल रही है। कम निकल रही है, कितना प्रतिशत कम निकलेगा आप प्रतिशत में बता पाते तो अच्छा रहता। प्रतिशत तो अभी क्या है कि सभी डोड़े के चीरा नहीं लगाए, तो उसके कारण प्रतिशत का अभी अनुमान नहीं लगा पाएंगे। अच्छा हाँ, पर ठीक है,
फिलहाल ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो अभी आप लुवाई कर रहे हो, उसके बाद क्या क्या कार्यक्रम रहेगा? इसके बाद चीरा लगने का चलेगा काम, चीरा लगने का कार्य किया दिन जाएगा, भर चीरा लगेगा, फिर शाम को रात भर ऐसे रहेगा, फिर दिन सुबह चीरने ये लूने का काम स्टार्ट हो जाएगा। जी अभी हम खड़े हैं नीमच जिले के मनासा तहसील के एक गांव में, जहां पर अभी हमने बात करी है अफीम किसान से। तो आइए अब इनसे करते हैं, लुहाई की बात हम कर चुके हैं, अब इनसे पूछेंगे थोड़ी अफीम के बारे में जानकारी और इसकी पैदावार कैसे की जाती है और इसको कब से उगाया जाता है, थोड़ी डिटेल इनसे और लेते हैं। तो इसकी जो फसल की शुरुआत है ये किस माह से की जाती है? ये अपने दीपावली की जो तेरस आती है, तेरस के टाइम पे इसकी हुई थी सिंचाई, बुहाई बुहाई करी थी। उसके बाद से क्या कार्यक्रम रहा इसमें? उसके बाद इसमें निंदाई गुड़ाई का काम चलता है, दवाई छिड़काई का भी काम करता है, इसमें बीमारी ज़्यादा आती है, दवाई छिड़काव का भी रहता है इसमें, दवाई का ये इसमें ज़्यादा है, दवाई का पैसे ज़्यादा लगते हैं इसमें। अच्छा हाँ, और बीमारी के अभी ये पानी गिरा इसके कारण भी बीमारी का प्रकोप पड़ता है। उसके बाद भी अगर ये बड़ा हो जाए, अगर इसकी हाइट ज़्यादा हो जाए तो फिर इसमें ये इसको नीचे से बांधने का काम भी करना पड़ता है, ये नीचे बांध रखा है जो ये रस्सियों से सपोर्ट दे रखा है, ये रस्सियों से सपोर्ट देना पड़ता है। हाँ, ये गिर रहा है, आप देख सकते हैं उधर वो गिर रहा है, इसलिए इसको ये रस्सियों से बांध रखा है नीचे, ठंड से भी। और सुबह अगर हम लूने भी आते हैं तो उस टाइम पे ठंड का बर्फी जमती है इस पे, बर्फी ज़्यादा रहती है। अच्छा हाँ, और लुहाई सिराई से पहले कुछ कालिका माता की भी पूजा की जाती है? हाँ, पूजन होती है ना, आप देख सकते हैं वहाँ पर काली माता की ये स्थापना कर रखी है वहाँ पर, फिर उसके बाद लुहाई का ये चीरा लगता है, उसके बाद लुहाई का काम करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम पिंटू गोस्वामी, कड़ी खुर्द। तो आप किसानों को या फिर व्यूवर्स को क्या संदेश देना चाहते हो? हम किसानों को और सरकार से भी हमारा अनुरोध है, सरकार से भी हमारा अनुरोध है कि फसल में जो नुकसान है उसकी जांच की जाए, उसके बाद कितना नुकसान हुआ है उसकी जांच की जाए, उसके आधार पर जो इसमें एक लेवी बोलते हैं उसको, लेवी जो होती है उसमें राहत प्रदान की जाए किसानों के हित में राहत प्रदान की जाए कि जो नुकसान हुआ है आखिर में उसकी भरपाई सरकार करे, लेवी में कुछ राहत दे सरकार। अच्छा हाँ, और इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ सब किसान भाइयों को कि ये जो चैनल है MP7 News, ये धरातल खबरों को आप तक पहुँचाने का काम करता है MP7 News, और हर छोटी से बड़ी हमारे ग्रामीण क्षेत्र की हो शहरी क्षेत्रों की, हर छोटी से बड़ी खबर आप तक पहुँचाने का काम करता है। हाँ, इस चैनल को आप MP7 News को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।